इसका लास्ट पार्ट काफी मजे का था, उसके अंदर जो सॉन्ग आया वाह यार, टाइटल मजा ही आ गया। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखा, पिछले पार्ट भी मिस करके बैठे हुए हो तो फिर भाई जाओ देखो, बैठे हो हमने भी नहीं देखी थी ना मूवी, तो अब हम देख रहे हैं साथ साथ, इतना एंजॉय कर, इतना मजे के एंटरटेनमेंट, वो जरूर पिछले पार्ट जाके देखें। और ये होने वाला है इसका पार्ट नंबर 14, तो जल्द से इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। पकड़ा गया, रोब कितना है अमिताभ सर का, इनसे अच्छी एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता, जो इनकी बस कमाल जबरदस्त। नाम क्या है आपका? विक्रम सर। आप गुरुकुल के नियमों से तो परिचित हैं ना? जी सर। तो आप ये जानते हैं कि अभी अभी आपने उसका एक नियम तोड़ा है और इसके लिए आप यहां से निकाले भी जा सकते हैं। जी सर। तो कहिए विक्रम, आपकी इस लापरवाही की वजह क्या है? जी मैं वो विकी, अरे विकी, तुम स्टेशन टाइम पर पहुंच गए थे ना? स्टेशन सर? अरे भाई वो जो पार्सल मैंने तुम्हें दिया था वो स्टेशन मास्टर ने ले लिया ना? पार्सल? जी ले लिया सर। स्टेशन मास्टर ने आपका पार्सल? पहले बेचारा नहीं समझ पा रहा था, तुम समझ गया। ले लिया सर। ग्रेट, बहुत देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। एंड विकी, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर। गुड नाइट सर। इसको बंद कर दो जरा, साइलेंट लगा दो, बस छोड़ दो। क्या ही जबरदस्त सीन था, एसआरके किंग ने सेव कर लिया, राज आर्यन ने, राज आर्यन ने। हाँ, गुरु की शक्ल देखो इतना गुस्से में है ना। बहुत देर हो गई सर, आपको भी जाकर सो जाना चाहिए वरना कल शायद पहली बार सूर्य आपसे पहले उठ जाएगा। गुड नाइट। बचा लिया। मुझे तो लगा विक्रम जो है ना वो पक्का फंस गया। Morning, Rushan. अच्छा एक चीज नोटिस करे किसी ने, ये जो मतलब राज आर्यन है यानी एसआरके, इनने मतलब सारी मूवी के अंदर ना ये ऊपर से ये जो क्या कहते हैं जर्सी टाइप डाल रखी है, स्वेटर टाइप, ये पूरी मूवी के अंदर डाल के मतलब ये चल रहे हैं। पता नहीं इसकी रीजन क्या है, या तो इनको ऐसा लुक दिया गया हो सकता है, कुछ मतलब पहनते नहीं है बस ये ऊपर रख ही जाते हैं। ऊपर से रख लिया, रख के पहने भी नहीं देखी ना कभी भी। हाँ पहने हुई भी देखी है लेकिन ज्यादातर रख के घूम रहे होते हैं ऊपर। करण? हाँ? करण आज अचानक ट्यूसडे को असेंबली कैसे हो गई पता नहीं। गाइस, हे विकी, नॉट बैड,
ये यूनिफॉर्म में बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था ना जब, तो यूनिफॉर्म के साथ बहुत पसंद आया था, बहुत ही प्यारे लगते हैं, जैसे भी बहुत अच्छा है यूनिफॉर्म है ना। पांच मिनट लेट, आई एम ट्राइंग मैन, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। इन ड्रॉप साइलेंट। मैंने आप सबको आज यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ स्टूडेंट्स गुरुकुल के अनुशासन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स लगातार गेट के बाहर जा रहे हैं और वक्त पे वापस नहीं आ रहे हैं। मैं उन्हें और बाकी सबको ये बता देना चाहता हूं कि गुरुकुल के नियमों को तोड़ना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कुछ लोग मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ बैठे। तो आज के बाद गुरुकुल का गेट हर वक्त बंद रहेगा। अब कोई किसी भी वजह से बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई बाहर जाता हुआ या बाहर से आता हुआ पकड़ा गया तो वह उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, अगर कोई बाहर जाता हुआ या बाहर से आता हुआ पकड़ा गया तो वह उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर आर्यन, मुझे गुरुकुल की हर चौखट पर रखे हुए हर एक कदम की हर एक आहट सुनाई देती है। मेरी आंखों से कुछ छुपा हुआ नहीं है मिस्टर आर्यन। उन तीन लड़कों को बाहर जाना बंद करना होगा। अब यहां ना तो कोई पार्ट टाइम नौकरी होगी, न पियानो बजाना होगा और ना ही डांस होगा। मैं चाहता हूं कि यह खबर आप खुद उन तीनों को सुना दें। जी सर। थैंक यू मिस्टर। इतना स्ट्रिक्ट है ना। ऐसा सुना के चले गए। आपको मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर शंकर। आज की सुबह बहुत खास होगी। बिल्कुल मिस्टर आर्यन, ये हवाएं देख रहे हैं आप, ये गुरुकुल की हवा है मिस्टर आर्यन, जो सदियों से पूरब से चलती आ रही है। कुछ दिन पहले इन हवाओं ने अपना रुख बदलकर पश्चिम से बहना शुरू कर दिया था, लेकिन आज फिर से पहले की तरह ये पूरब से बह रही है। आज यहां पहले जैसा सब कुछ पूरा हो चुका है मिस्टर आर्यन। आज की सुबह बहुत अच्छी है। बधाई हो मिस्टर शंकर, यहां की हवाएं भी आपसे डरती। शायद इनको भी मालूम है कि आपको परिवर्तन पसंद नहीं। आपके डर की ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। मेरे डर की ताकत का एहसास तो आप ही ने मुझे दिलाया था मिस्टर आर्यन। आप ही ने मुझे बताया था कि लोग मुझसे डरते हैं, वो मुझसे डरते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, है ना? लेकिन एक बात जान लीजिए मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। नो मिस्टर शंकर, आपने अभी तक सिर्फ डर की ताकत देखी, मोहब्बत की ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। मोहब्बत अगर चाहे तो इस एक पत्ते के सहारे आपकी इमारत की हर एक ईंट को हिलाकर रख दे। ऐसी ताकत को तुम्हें देखना चाहूंगा मिस्टर आर्यन। मैं
मैं जरूर देखना चाहूंगा। फिर से चैलेंज, मजा आ रहा है मूवी को देखकर। ये चैलेंज वाली जो है ना और जो डायलॉग उस वक्त होते हैं एस आर के किंग और अमिताभ सर के, वो बड़े जबरदस्त ऐसा ही है। अब आप मोहब्बत की ताकत जरूर देखेंगे मिस्टर शंकर, जरूर देखेंगे। गुड मॉर्निंग बॉयज। आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे यानी मोहब्बत का दिन। आज के दिन मैं तुमको एक छोटी सी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी एक लड़के की है, एक लड़की की है और एक पत्ते की। ये कहानी आप ही के जैसे गुरुकुल के एक स्टूडेंट की है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे मोहब्बत हो गई और उसने आज ही के दिन यह फैसला किया था कि वो उस लड़की को अपने दिल की बात सुनाकर रहेगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ बस स्टॉप पे खड़ी कॉलेज की पिकनिक पे निकलने का इंतजार कर रही थी। वो लड़का गुरुकुल से छुप छुप कर भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वो बस की तरफ जा रही है। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक पेन निकाला और कुछ लिखने के लिए एक कागज ढूंढने लगा। फिर जमीन से एक पत्ता उठाया और उसी पे लिख दिया, डियर मेघा आई लव यू। उसने वहीं पे खेलते हुए बच्चे को पत्ता दिया और उस लड़की की तरफ इशारा किया। वो लड़की बस के अंदर जा ही रही थी कि वो बच्चा भागता हुआ उसके पास पहुंच गया। तभी लड़के के सामने से आर्मी के ट्रक्स का एक कारवां शुरू हो गया और कुछ देर तक वो लड़की को देख नहीं पाया। बस दूर खड़ा दिल थाम कर उसे देखने की कोशिश करता रहा। जब आखिरी ट्रक गुजरा तो उसने देखा कि सब लड़कियां बस के अंदर चली गई हैं। उसने मुड़कर देखा तो वो बच्चा हाथ में वही पत्ता लिए खड़ा था। उस पत्ते की दूसरी तरफ कुछ लिखा था, तुमसे सुनने के लिए मैंने कब से इंतजार किया है मेघा। पर तब तक बस चल पड़ी थी। वो पागलों की तरह बस की तरफ भागा पर बस निकल चुकी थी और बीच रास्ते रुक गया। उसने जब मुड़कर देखा तो उसके सामने खड़ी थी। वाह यार, क्या ही जबरदस्त सीन। वाह, मैं इस सीन को अगेन देखना चाहूंगा। ऐसे नहीं हाँ। क्योंकि ऐसे सीन जो है ना वो दोबारा देखकर मजा आता है, एक बार देख के मन नहीं भरता। तभी लड़के के सामने से आर्मी के ट्रक्स का एक कारवा शुरू हो गया और कुछ देर तक वो लड़की को देख नहीं पाया। बस दूर खड़ा दिल थाम कर उसे देखने की कोशिश करता रहा। जब आखिरी ट्रक गुजरा तो उसने देखा कि सब लड़कियां बस के अंदर चली गई हैं। उसने मुड़कर देखा तो वो बच्चा हाथ में वही पत्ता लिए खड़ा था। उस पत्ते की दूसरी तरफ कुछ लिखा था, तुमसे सुनने के लिए मैंने कब से इंतजार किया मेघा। पर तब तक बस चल पड़ी थी। वो पागलों की तरह बस की तरफ भागा पर बस निकल चुकी थी और बीच रास्ते रुक गया। उसने जब मुड़ कर देखा तो उसके ये वाला सीन सबसे ज्यादा घूस बम देने वाला है। ये ना बाहें जब फैलाई जबरदस्त, कमाल है, सुपर से आर्मी वाले भी खुश हो गए। नाइस। छोटी सी पर सच्ची प्रेम कहानी।
ब्यूटीफुल पार्ट यार, और खास तौर पर ये एंड वाला सीन जो था बहुत ही ज्यादा सुपर अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सीन था। और ऐसा कि इनका जो वो एक स्टाइल है बड़ा प्यारा, वो देखने को मिला इधर, नाइस यार, जैसे भाई फैला के करते हैं ना सीन, बहुत प्यारा लगता है। ओवरऑल मतलब इस पार्ट को देखने के बाद बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा, सच कहूँ तो मतलब सारी मूवी देखने, ये एंड वाला जो एक छोटा सा सीन था ना, था छोटा बट बहुत इमोशंस और बहुत ज्यादा घूसबम्प्स थे उसमें, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये वाला सीन, सच में सारी फीलिंग आ गई सीन को देखने के बाद। अच्छा यार आपको कैसा लगा ये वाला सीन, जरूर से बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, वेट करूंगा और देखूंगा कि मतलब आपको ये वाला सीन कैसा लगा। मुझे तो ये सारी मूवी मतलब अच्छी लगी, लेकिन ये वाला सीन कुछ अलग ही लेवल का बढ़िया लगा, बहुत मजा आया। सो अच्छा यार ये था इसका पार्ट नंबर 14, काफी अच्छा था, ये भी देख के मजा आया। और दूसरा यार वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इंस्टाग्राम पे जरूर से जाके फॉलो करें, जरूर से रिक्वेस्ट है आपसे। सो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।